सांची जोतो वाली माता माता तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार बुलाया शेरा वालिए मैं आया शेरा वालिए तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए शेरा वालिए मैं आया शेरा वालिए सारा जग एक बंजारा सारा जग है एक बंजारा सबकी मंजिल तेरा द्वारा ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता पर मैं रह ना पाया शेरा वालिए हमारे साथ प्रमोद जी भाई साहब है, शांतिलाल जी भी पूर्व जिला प्रमुख भी है और हमारे डूंगरपुर से भी आए हुए हैं दुदाराम जी और वाल जी पटेल और दुदाराम जी आए हुए हैं। तो आप सबको प्रणाम। आप हमारे करणी माता, ये जो बहुत बड़ा मंदिर है दो तले के ऊपर करणी माता, वहाँ पर आज बहुत बड़ा भंडारा हो रहा है, उसके संरक्षक है हमारे प्रमोद जी भाई साहब। तो आदरणीय भाई साहब, क्या प्रोग्राम हो रहा है इसमें? आज थोड़ा समय का अंतराल रहा था बीच में कोरोना की वजह से, और पुनः प्रत्येक रविवार को यहाँ भंडारा रहता है, प्रसाद का कार्यक्रम रहता है। आज वार्षिक रूप से भव्य भंडारा, और हमारे ट्रस्ट के सभी बंधु बहन अध्यक्ष और सभी पदाधिकारी महासचिव इसकी व्यवस्था करते हैं, और आज शहर के और देश विदेश से आए हुए सभी भक्तजन टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर ऊपर चढ़ने का पहाड़ी मार्ग से भी रास्ता है, रोपवे से भी है, और आपने देखा होगा कि काफ़ी मात्रा में टूरिस्ट और पर्यटक और दर्शनार्थी सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर चढ़ रहे हैं, नारों के साथ, उद्घोष और गीतों के साथ माता जी की आराधना करते हुए और करणी माता के इस प्राचीनतम और भव्य मंदिर में दर्शन भी करेंगे, प्रसाद ग्रहण भी करेंगे। और ट्रस्ट ने इसके लिए संपूर्ण व्यवस्था की है, इसके लिए मैं हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष ललित जी चोपड़ा और महामंत्री भाई कुमावत जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, ट्रस्ट के सभी ट्रस्टियों का और विशेषकर मेवाड़ चैनल का, कि उन्होंने इस भव्यतम प्राचीनतम धार्मिक स्थल को, ऐतिहासिक स्थल को, क्योंकि यहाँ से संपूर्ण मेवाड़ का इतिहास जिस स्थानों से लिखा जाता है, जिनकी प्रेरणा से बनता है, उसका सबका यहाँ का विहंगम दृश्य दिखाई दे रहा है। और सभी आपने देखा होगा जितने टूरिस्ट हैं, दर्शनार्थी हैं, वो अलग अलग एंगल से यहाँ से फोटोग्राफी भी करते हैं। तो निश्चित रूप से इस स्थान की पवित्रता भव्यता के हम नमन करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी भाई साहब को, कारण कि मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ आपसे, नगर निगम के 5-6 बोर्ड में आपने स्वयं भी कुछ न कुछ या निरंतर, कभी लाइटें लगवाना, कभी फर्शी लगवाना,
राहगीरों के लिए, दर्शनार्थियों के लिए आसान से वो ऊपर जा सके, कई सारी व्यवस्था की है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए। अरे वाह वाह जाता है यहाँ पर, एक मिनट में ये सफा बंद गया और यहाँ पे चित्र लिया जाता है। हेलो हेमंत जी, एक सेकंड सर, थोड़ा सा साइड में हो जाओ, एक सेकंड। Thank you.
संजय भैया है। सर आप अपना पूरा परिचय देकर बात करिए, क्योंकि इस मंदिर में तो आप कई सालों से जुड़े हुए हैं। मैं संजय भैया, जय मिस्टर मुंडार, सेक्टर 3 और छोरलाल जी भाई साहब से हम सालों से व्यवहार है। और कंडी माता सेवा समिति ने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पर और सालों से कर ही रही है। मैं 94 से कंडी माता मंदिर लगातार आ ही रहा हूँ और माता का आशीर्वाद बना हुआ है। हम लोग सब लोग यहाँ सेवा करते थे। आज क्या उत्सव है यहाँ? यहाँ वो भी भंडारा है, आज जो सामूहिक भंडारा साल में एक बार होता है। बाकी यहाँ संडे तो प्रसाद होता ही है, भंडारा होता ही है, लेकिन आज भव्य भंडारा होता है। यहाँ लगभग 3 से 4 हज़ार पब्लिक आते ही आज के दिन। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जैसे भक्त इस करणी माता मंदिर का बहुत बड़ा विकास कर रहे हैं और इतने सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग आते हैं और एक बहुत बड़ा टूरिस्ट पॉइंट उदयपुर के लिए बन चुका है और आज आपका जन्मदिन भी है, ये तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आ रही हैं। 25 दिसंबर 2022 का दिन है, अटल जी बिहारी वाजपेयी का भी आज ही जन्मदिन है। यहाँ पर ये बहुत बड़ा दिन है इसका मतलब आज का है और आज भंडारा भी है। चलो धन्यवाद सर। 25 दिसंबर 2022 करणी माता उदयपुर, करणी माता का मंदिर आपने देखा, बहुत विशाल मंदिर है करणी माता का। माछला मंगरा के ठीक पास में या माछला मंगरा के ऊपर ये करणी माता का मंदिर है और ये पुराने ज़माने के वो ब्रिज है जो दुश्मनों को मारने के लिए यहाँ इसमें तोपें रखी जाती थी करणी माता फोर्ट में, और एक ये और ये दूसरी ये, फिर ये अपना पूरा उदयपुर शहर की सारी बिल्डिंगें दिखाई दे रही है। और बिल्डिंग के बाद में हम इधर घूमेंगे लेफ्ट साइड में, तो ये हमारे उदयपुर शहर का ये सिटी पैलेस है और सिटी पैलेस के एक किनारे पर, क्योंकि हम सब जानते हैं कि महाराणा उदय सिंह जी ने इस उदयपुर को बसाया, खूबसूरत उदयपुर, और ये पूरे पिछोला लेक है और इस पिछोला लेक में बहुत बड़ी बड़ी ये जैसे आप ये देखिए ये वाइट बिल्डिंग, ये लेक पैलेस है जिसको ताज होटल कहा जाता है। उसके बाद में ये थोड़ा सा कैमरा ऊपर उठाएंगे तो ये लीला होटल है। लीला होटल के बाद में ये इधर लेफ्ट साइड में और घूमेंगे तो ये पूरी उदय विलास होटल है। और ये जो एक ये तालाब दिख रहा है इसको दूध तलाई कहते हैं, ये दूध तलाई है, एक साथ दूध तलाई पिछोला लेक। और उसके बाद में आप ये जो आएंगे ये जग मंदिर है, जग मंदिर का निर्माण महाराणा जगत सिंह जी ने या करवाया था, लेकिन इसकी खास बात यह है कि मुग़ल राज के समय जो एक मुग़ल बादशाह था, बादशाह तो उस समय नहीं था, शाहजहाँ था, जो भागकर यहाँ दिल्ली में अपनी जान बचाने के लिए, शाहजहाँ जिसको मेवाड़ के राजा ने शरण दी और इस जग मंदिर में उनको रखा, क्योंकि उस ज़माने में शाहजहाँ का एक भाई दारा शिको या दारा शिको ही होगा, उसने अपने बाप को कैद कर लिया था। शाहजहाँ बाद में यहाँ से हमारे मेवाड़ के महाराणा ने उसको अपना भाई बनाया, यानी कि शाहजहाँ जो मुग़ल साम्राज्य के बादशाह थे वो बाद में बने, पहले यहाँ छुप कर रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। मेवाड़ ने शाहजहाँ की जान बचाई, आज भी उनकी तलवार, उनका साफा हमारे जो सिटी पैलेस है म्यूज़ियम उसमें पड़ा हुआ है। कुल मिलाकर यह बहुत बड़ी बात है। और ये देखिए आप, ये हमारा एक फिल्टर हाउस है, यहाँ से उदयपुर शहर को साफ झीलों का पानी साफ करके इस फिल्टर हाउस से पिलाया जाता है। दूसरी खास बात ये और एक और है कि ये एक बहुत बड़ी वॉल है और इस वॉल के पास में ही इसी करणी माता के स्थान से आपको ये गोवर्धन सागर तालाब के भी दर्शन हो जाएंगे। ये गोवर्धन सागर तालाब का पानी है। कुल मिलाकर बताना ये चाहते हैं कि इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, ये कई सारे टूरिस्ट भी आ रहे हैं। मैडम आप भी हमारे लिए कुछ बोल सकते हो क्या? दो मिनट बोल दो ना बेटा, आप बोल दो यार, उदयपुर कैसा लगा ये बोल दो। ठीक है, अच्छा ही लगा होगा इसलिए यहाँ आए हैं, कहीं यूट्यूब पे देखा होगा या कहीं समाचार पढ़ा होगा। बेटा तू बोल दे यार। कुछ भी ठड़ी है, मैं क्लास 6 में हूँ, ये उदयपुर अच्छी जगह है। पहली बार आए दूसरी बार? पहली बार। मैडम आप? बस पहली बार ही है, बहुत अच्छा है। कहाँ से आप? अहमदाबाद से।
अहमदाबाद से। देखिए हम सब लोग जानते हैं कि गुजरात के सारे पर्यटक हमारे इस उदयपुर में आते हैं, तो हमारे उदयपुर जिला प्रशासन की, उदयपुर नगर निगम की, उदयपुर यूआईटी की, हम पूरे उदयपुर वासियों की ड्यूटी है कि जितने भी मेहमान हमारे उदयपुर में आते हैं उनकी हम खातिरदारी करें, हिफाजत करें, कोई बुरी यादें लेकर यहाँ से ना जाए, यही हम लोग सोचते हैं। थैंक यू। तो कुल मिलाकर ये बात है कि हम लोग करणी माता के मंदिर पे आए थे, लेकिन करणी माता के दर्शन के साथ में उनकी महाआरती के बाद में भी हमने हमारे उदयपुर शहर के लिए, उदयपुर हिंदुस्तान के लिए बहुत बढ़िया एक कोशिश की है कि ये सारी समाचार हमारे हिंदुस्तान में हर जगह पहुँचे, जिससे कि हमारे उदयपुर की खूबसूरती को प्रत्येक व्यक्ति देखे और हमारे उदयपुर टूरिस्ट बनकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहें आप इस भंडारे के बारे में आज? ये भंडारा पिछले 21 सालों से हो रहा है और सभी लोग इससे देश विदेश से लोग आते हैं और इस भंडारे का लाभ लेते हैं। आप भी कुछ बोलो। परिचय ट्रस्टी राकेश गदिया, कोषाध्यक्ष करणी माता विकास ट्रस्ट। भंडारा काफ़ी वर्षों से चल रहा है, छोटे से बहुत बड़े रूप में आ गया है आज, और काफ़ी लोग इससे जुड़ रहे हैं और उदयपुर में एक नाम हो गया है करणी माता का और विश्व में नाम हो गया है। चोपड़ा जी आप अध्यक्ष हैं। यस सर। क्या क्या व्यवस्था है, क्या व्यवस्था रहती है, उसके बारे में भी हमें जानकारी दे। और उदयपुर के लोग अधिक वैसे तो आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आवे, उसके लिए क्या कहेगा? ज़्यादा से ज़्यादा इसका विज्ञापन आप, इसकी हेड आप दो, मंदिर को हाईलाइट आप लोग करो। हमने तो बहुत हाईलाइट कर दिया इसको, जितना करना चाहिए बिल्कुल, था। बिल्कुल बिल्कुल। और करने की कोशिश है, लेकिन राजनीतिक और ये राज की बाधा ऐसी पड़ती जो पूरा विकास नहीं कर पाते हम लोग। बाकी अगर राज की बाधा नहीं पड़े तो पूरा विश्वास कर पाते हम लोग। चलो फिर भी आप इतने लोग सच्चे मन से कुछ कर रहे हैं तो सफल तो हो ही रहे हैं। हमारा जो टच बना वो 97 में हमारा टच बना, 97 से हमारे सभी ट्रस्टीज की सेवा में लगे हुए हैं दिन रात। रात को 12 बजे भी बोलेंगे तो हर ट्रस्टी का तैयार हो जाएगा, कोई भी काम के लिए मना नहीं करेगा। और ये हमारा 21वां भंडारा है। अच्छा, आज ये बताएं आपको कि ये बच्चों का जो कराया जा रहा है, पंडित जी महाराज जो कहीं भेज रहे हो ट्रस्टी है, ये नौ कन्या के पूजन होती है, दो बच्चों को नौ कन्या की पूजा होती है। उनकी पूजा होने के बाद में फिर प्रसाद चालू होगा, विधि विधान से इनकी पूजा होगी, खाना खाने के बाद फिर इनकी पूजा होगी। पूजा होने के बाद इनको जो भी मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जो भी इनको देना चाहिए वो हम लोग देंगे। उसके बाद आम लोगों के लिए भंडारा चालू होगा और इस भंडारे में करीब 5-6 हज़ार आदमी लाभ लेते हैं। और साप्ताहिक भी हमारा भंडारा चलता है, सवेरे सवेरे 7 बजे अल्पाहार चालू होता है, 8:30 बजे तक। अल्पाहार में चाय पोहे नमकीन खारी जो भी सज्जन आएंगे, करीब करीब 15 किलो पोहे हमारे हर सवेरे संडे को बनते हैं, संडे के दिन, हर संडे, हर संडे। और फिर 9:30 बजे हमारा भी भंडारा चलता है जिसमें 500-700 आदमी भंडारा का लाभ लेते हैं। जरूर साहब, उदयपुर के लोग ज़्यादा से ज़्यादा और आएंगे, हम इसको अरे मैं पूरा रात भर 2-4 दिन चले दूंगा। यहाँ जो भी श्रद्धालु आता है अपने मन में इच्छा लेगा उसकी माता जी इच्छा पूरी करती है। जिसके संतान नहीं होती उसको संतान देती है, जिसके मकान नहीं उसको मकान देती है, जो मन से मांगे उसकी इच्छा पूरी होती है। महादेव बोलो, बहुत सेवा करे। जब जब पेड़ पड़े संतन के तब तब हम बट्टा ढाल। छोकालाल जी आज इस करणी माता के मंदिर में आए हैं तो निश्चित रूप से ये प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं रखते हैं। जब भी कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है तो छोकालाल जी की उपस्थिति हमेशा रहती है। और इस उदयपुर की जनता क्या पूरे भारत की जनता का मतलब ये जो मैसेज है ना छोकालाल जी की तरफ जाता है, इसके लिए बहुत बहुत उनको साधुवाद और धन्यवाद। हम पूरा प्रार्थना करते हैं कि जब भी कार्यक्रम हो आप अपने दल बल सहित यहाँ बधारे आनंद लें और इस मंदिर की जितनी शोभा बढ़ा सकते हैं बढ़ाएं, प्रतिष्ठा बढ़ा सकते हैं उतनी बढ़ाएं। और आज आप बधारे उसके लिए, अरे आपका धन्यवाद, मारो कहीं धन्यवाद नहीं देना यार, मैं तो आप आशीर्वाद दो जी गणों मणे बोलूंगा। उसमें एक महादेव भी है।
हर हर महादेव। करनी मात की जय। एक लाइन में पंडित जी उन्हें पूछ लो। अरे वाह जी, पंडित जी बता देगा पूजा। पंडित जी महाराज आप ही आपको परिचय दें पूरो। मैं जयनारायण अम्बेजा उदयपुर में रहता हूँ। अब आज के दिन ट्रस्ट वाले नौ कन्या का पूजन करते हैं, भोजन कराते हैं, पूजा करते हैं, उनको दक्षिणा देते हैं और माता जी के आशीर्वाद से ये सब विकास का काम चल रहा है, विकास मंडल कर रहा है। दिन रात 24 घंटे ये तत्पर रहते हैं और माता जी के यहाँ जो भी सच्चे मन से इच्छा पूर्ण करती है, ये जो भी इच्छा लेके आते हैं उनको संतान नहीं होती, उनको संतान देते हैं, मनोकामनाएँ पूर्ण होती है यहाँ पे। और पंडित जी मेरी एक जानकारी और बताओ आप, अपने जैसे नवरात्रि होती है तो भी नौ कन्या का पूजन होता है, तो इसके पीछे कारण क्या है? हम इन नौ नवरात्रि में नौ माता जी का नौ स्वरूप की हम पूजा करते हैं, इसके लिए नौ। ओके, आदरणीय प्रकाश जी अग्रवाल साहब भी पधारे हैं। प्रकाश जी भाई साहब आप तो सप्ताह में एक बार तो आते ही आते हैं या अभी दूसरी बार आए इस महीने में? इस महीने में दूसरी बार। नितिमरा जी आ रही है सादरी जी, जो ये करणी माता का जो मंदिर बना ये ऐतिहासिक बात हुई है। इतनी ऊंचाई पे इतना मंदिर का निर्माण करना और इतना सहयोग लोगों के द्वारा, और करणी माता वाले कभी भी नीचे कोई सहयोग लेने नहीं जाते, जो भी आता है ऊपर आके सहयोग करता है, भक्तों के द्वारा ये तमाम निर्माण हुआ है। और आज जो ये भंडारा, आज 10,000 लोगों का भंडारा है, हर रविवार को 500 लोगों का भंडारा होता है, सुबह अल्पाहार होता है, ये ऐसी व्यवस्था मैं सोचता हूँ उदयपुर में कहीं पर भी नहीं है। प्रकाश जी वैसा, प्रकाश जी वैसा, मैं तो चाहूँगा कि क्योंकि आप साध्वी त्रितमरा जी से बिल्कुल बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, कभी एक बार उनको भी यहाँ लेके आओ। उनके एक दिक्कत है, उनको आपके प्रयास करेंगे, अभी तो उनको समय से कार्यक्रम बन गया, अगली बार जब आएंगे इस रोप वे से लेके आएंगे उनको, बाकी उनको सीढ़े चढ़ने में दिक्कत है। रोप वे से ले आएंगे अगली बार, बिल्कुल सभी ट्रस्टी लोग एक एक लाइन से बोलेंगे। जय माता जी की। जय माता दी। करणी माता परिसर में लगभग 21वां भंडारा सभी भक्तों के प्रयास से हो रहा है और सभी भक्तों का जन सहयोग, हम सबकी भावना यही रहती है सभी की मनोकामना पूरी हो, सब तरफ खुशहाली हो। बहुत बहुत धन्यवाद वाह साहब। जय श्री राम। जैसा कि हम सब लोगों ने करणी माता जी के दर्शन कर लिए, दिनेश जी मकवाना धर्मोत्सव समिति के काफ़ी संगठन से जुड़े हुए हैं और मुझे ये मालूम है अच्छी तरह से कि इस करणी माता के मंदिर में आपने भी अपना बहुत सा योगदान दिया, आज कुछ कहिए दो शब्द। जहाँ तक योगदान की बात है तो सब काम प्रभु करवाता है, प्रभु की निमित्त से ही काम होता है और आज जो भंडारा हो रहा है, इस भंडारा में आज आम उदयपुर की जनता आमंत्रित है और ये उदयपुर के विषय में गौरव की बात है। इतनी पहाड़ी पर जाकर करणी माता विकास समिति ने एक बहुत बड़ा मंदिर और निर्माण क्षेत्र कराया जो उदयपुर में अपने आप की शान है। और आज 25 दिसंबर है, अटल जी की बर्थडे है और भंडारा भी आज है। और आज भंडारा भी इसी प्लस में भंडारा भी चल रहा है। आप सभी इस चैनल के माध्यम से आमंत्रित है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह दिनेश जी भाई साहब पधार लिए। बिल्कुल यस। वाह मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से पधारे आप? हम फरीदाबाद। फरीदाबाद से। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू। अब
अब बताओ उदयपुर असली अगर अटूट देखे तो कट ले तो ये माता रपट। हमारे पूर्व जिला प्रमुख शांतिलाल जी मेघवाल साहब, कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत अच्छा लगा साहब।